हेलो सोनी, कैसा है? सोनी, हम लोग कल प्लान बना रहे थे बारबेक्यू का, तू फ्री है? हाँ फ्री हूँ यार। देख ले, तुझे परमिशन मिल जाएगी रिदा से। अबे उसने क्या कहना है? नहीं, वो तू बहुत डरता है ना, तो मैंने सोचा पूछ लूं। ओ भाई सुन लो, मैं किसी से नहीं डरता, सही? जैसे जल्दी फोन बंद करो यार, इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। अच्छा मैं बाद में करता हूँ, मुझे जरूरी काम है, सही है? अच्छा प्लान पक्का है ना फिर? अरे हाँ पक्का ना। हाँ बोलो। एक काम करो, तुम अपने दोस्तों से ही शादी कर लेते। तोबा तोबा तोबा, रिदा कैसे बात कर रही हो तुम? अच्छा क्या कहना था तुम्हें? हाँ तो परसों से मेरी फैमिली में शादी है, अगले 3 दिन तक कहीं बिजी मत रहना। जाना जरूरी है? हाँ तो जाहिर है जरूरी है। अच्छा फिर भी याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो कल लॉकर लेके चलना, मुझे ज्वेलरी निकलवानी है। यार रिदा आज की हालत बहुत खराब है, आर्टिफिशियल पहन लो। अरे मेरे वहाँ बहुत रिश्तेदार होंगे भाई, मैं कोई आर्टिफिशियल नहीं पहन रही। चलो चल लेंगे, अभी मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर। हाँ बड़े काम किए इन्होंने आज। गाड़ी तो तेज चलाओ, इससे अच्छा था हम लोग गधा गाड़ी में ही आ जाते। यार रिदा क्या हो गया तुम्हें, कभी तेज चलाओ कभी आहिस्ता चलाओ, तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो और तुम्हारे वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ तो अभी तुम्हारे पास ज्वेलरी है ना। रिदा मुझे कंफ्यूज करने के बजाय आसपास नजर रखो। बोल रहा था आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लो। नहीं असली ज्वेलरी। अरे जैसी यार, वो हमारे पीछे एक बाइक आ रही है। तुमको भी अभी आना था। देखो रिदा, अगर ये गन पॉइंट पे कुछ मांगे तो सब कुछ दे देना। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, ये मेरे खानदानी ज्वेलरी है यार, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या हमारी जान इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो रिदा, अगर मुझे कुछ हो जाए तुम्हारा क्या होगा? और वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहननी, मुझे असली पहनना है। तुम्हें पता है कराची की हालत ऐसे नहीं है। वो लोग अभी भी पीछे आ रहे हैं, जैसे कुछ भी करके यहाँ से भगाओ। सब्र, मैं कुछ करता हूँ। काम करता हूँ, मुझे शॉर्टकट पता है, मैं इनको डॉज करता हूँ। जैसे वो लोग आ रहे हैं यार, तेज चलाओ भाई। चलो शराफत से जो कुछ है सब निकाल दो। यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, सारा सामान मेरी बीवी के पास है। झूठी बोलो, मैं उसको समझा भी रहा था। शिजाद, दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? साहब मैं तो मजाक, ऐसे मजाक कौन करता है? हार्ट अटैक दे दिया तुमने, खड़ू की शक्ल क्या देख रहे हो? चाय बनाओ मेरे जाके। वैसे ही सर में दर्द हो रहा है, यहाँ इसको तफरी सूझी हुई है। अरे रेदा ऑफिस में तो पीछा छोड़ दो, क्या हो गया इसको? हेलो जैजी। हाँ रेदा बोलो जल्दी, काम है मुझे बहुत। रात में जाना है, याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, चलो बाद में बात करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ अभी। इसको मेरा बारबेक्यू प्लान के बारे में कैसे पता, और मुझे याद भी दिला रही है। हाँ सुई रिव्यू रेदा। समी। हाँ समी बोल। हाँ जय जी, रात में आ रहे हैं ना फिर? हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल आ रहा हूँ, और पता है क्या, रिदा ने मुझे अभी कॉल किया याद दिलाने के लिए, तो मैं बता रहा था ना मैं किसी से नहीं डरता। चल ठीक है, रात में मिलते हैं फिर। चलो ओके। समी मीठे में कुछ नहीं मंगवाया तूने? अबे तुझे पता है मैं खाने के बाद मीठा खाता हूँ यार। अबे मुबीन अपनी हालत देख, मीठा कम खाया कर तू। अबे तुम लोग लड़ते रहो, मैं मंगवा लेता हूँ मीठा, वैसे मुझे लेट हो रहा है, मैं मंगवा लेता हूँ। अरे जबरदस्त सिनेमन बन खाओगे तुम लोग? हाँ 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 मंगवा ले। राइट यार, वैसे भी इस पे 10% कैशबैक है। डन, ऑर्डर हो गया। तुम जैसे लेजी दोस्त से अच्छा तो सेवियर है, यहाँ पर ऑर्डर भी हो गया, डिलीवरी भी हो जाएगी। और समी तूने ये छोटा मोटा सेटअप कहाँ से करवाया? ये भी सेवियर से हो जाता है, लाइट्स वहीं से मंगवा लेते। अभी समी एक काम किया कर, अपने घर के छोटे मोटे इवेंट जो ना इसी से ऑर्गेनाइज करवा लिया कर। वाह बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो तुम। वैसे कॉमेडी तो तुम भी बहुत अच्छी करते हो,
पहले नहीं बता सकते थे? सुबह इतना ख्वार हुआ इन लाइट के चक्कर में, आराम से घर बैठ के ये काम करवा लेता। चलो मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पे लगा देता हूँ ताकि मैं सुकून से खाना खा लूँ, रिदा की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अरे फोन बंद आ रहा है इसका, समी को ट्राई करती हूँ। हेलो। हाँ समी, जैसी को फोन दो। रिदा Speak of the devil. ये तो गया। जैसी फौरन घर आओ, फौरन, नहीं तो मैं उधर आ रही हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। यार मैं जरा निकल रहा हूँ, मुझे काम है घर पे। मेरा मीठा फ्रिज में रख देना, मैं कल खा लूँगा। अच्छा मैं सिंगल हूँ। कितना डरता है यार। इतना लंबा दिन। आ गए तुम। रिदा तुमने मुझे 3 बजे तक की इजाजत दी है, उससे पहले मैं आ गया। मैंने तुम्हें रिमाइंडर कॉल भी दी थी कि रात में शादी पे जाना है, और तुम बारबेक्यू पार्टी अटेंड कर रहे हो। अरे रिदा I'm really, really, really sorry. मेरे दिमाग से ही निकल गया। इतनी कॉल्स की मुझे सबने, पूरे खानदान में तुम्हारी वजह से बेइज्जती हुई है मेरी। कोई बात नहीं, अगले इवेंट में तो जाएंगे ना हम लोग। हाँ तो जाहिर है जाएंगे, वो भी मिस करवाने के इरादे थे क्या? नहीं 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 नहीं। रिदा, आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आज रात शादी पे जाना है, पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ याद है भाई। अगर देर हुई ना तो घर आने की जरूरत नहीं है। रिदा एक इवेंट मिस हुआ है और मैं पूरी 20 दिन बाद समय और मुबीन से मिल रहा हूँ, ऊपर से ये शादी। तुम्हें मेरी फैमिली से कोई इशू है क्या? रोज रोज तुम्हारे मीटअप्स होते हैं यार, लास्ट टाइम भी फौजिया चाची के साथ। अरे फौजिया चाची को छोड़ो, उनके घर खाना खाया 10 दिन मेरा पेट खराब रहा। अच्छा तुम्हारे मामू के यहाँ तो बड़ा केटरिंग का काम है, उनके यहाँ तो चाय भी शरबत लगती है। ओ भाई मेरे मामू को मत लाओ बीच में। एक सेकंड कॉल आ रही है, चुप रहो। हेलो। हेलो गजनफर बोल रहे हो? हाँ अभी तक तो वही बोल रहा हूँ। अरे मैं जमील। कौन जमील? अरे तुम्हारा कजन टर्की से यार। ओ भाई मेरा कोई कजन वजन नहीं रहता टर्की में, क्या हो गया? यार हम बचपन में इतना खेलते थे तुम्हें याद ही नहीं? तो कितना बड़ा हो गया था फिर भी फीडर पीता था, और तुम्हारे अब्बा के सौतेले कजन थे सलीम, उनका बेटा हूँ मैं यार। अच्छा वो जमील, हाँ हाँ हाँ। कैसे हो? हाँ मैं कराची आ रहा हूँ, तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे पास रहोगे? यहाँ मेरी खुद रहने की जगह नहीं। क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो किचन रेनोवेट होना है ना, तो वो जगह नहीं है हमारे घर में। अरे तो मैंने कौन सा किचन में सोना है? माशाल्लाह अमीर लोग हो भाई तुम, एक गेस्ट रूम तो होगा तुम्हारे पास। गेस्ट रूम में तो हम सो रहे हैं। चलो खैर है मैं लाउंज में ही सो जाऊंगा, एक गद्दा तो होगा तुम्हारे पास, या वो भी रेनोवेट हो रहा है? नहीं नहीं वो रेनोवेट नहीं हो रहा। हाँ हाँ आजो आजो। अच्छा सर ओके अल्लाह हाफिज। कौन था ये? कोई नहीं बस वो ऑफिस की कॉल थी, वो थोड़ा जल्दी बुला रहे हैं। चलो तुम रेडी रहना रात में, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, शुक्र है जैजी आज का इवेंट अच्छा रहा ना। कसम से अच्छा हुआ तुम्हारा भाई आ गया, उससे मेरी अच्छी बातचीत हो जाती है। थैंक्स यार तुम आज टाइम पे आ गए। रिदा अब मुझे भी थैंक्स करने का मौका दे दो। क्या मतलब? वो सुबह जो कॉल आई थी ना। डोंट टेल मी तुम्हारी फूफा आ रही है। अरे नहीं 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 वो मेरा एक कजिन रहता है टर्की में, वो कुछ दिन के लिए आ रहा है। अरे ये घर के रेस्ट हाउस हर वक्त तुम्हारे रिश्तेदार आते रहते हैं। यार रिदा देखो तुम गलती से मेरी बीवी हो। गलती? मैं तुम्हारी गलती हूँ? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। साहब जी बाजी वो एक काम था छोटा सा। अब क्या तुम्हें भी मसला है मेरी फैमिली से? नहीं 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 मैं तो कुछ और कह रहा था। तो क्या ग्रोसरी फिर से खत्म हो गई? नहीं नहीं वो भी नहीं, मैं तो छुट्टी लेने आया था। शहजाद अभी तो फिलहाल मेरी छुट्टी होने वाली है इस घर से, अभी जाओ बाद में बात करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ जाओ जाओ। ठीक। अच्छा कितने दिनों के लिए आ रहा है तुम्हारा कजन? यार एक दो दिन से बोल रहा था वो तो। वैसे जाते नहीं है तुम्हारे रिश्तेदार इतनी जल्दी? रिदा एक दो दिन की तो बात है, बर्दाश्त कर लो थोड़ा प्लीज। चलो देखते हैं। यार तो भूख लग रही है, खाना लगा दो। सबर करो ला रही हूँ। वैसे क्या बनाया तुमने?
बस जो भी है चुप करके खा लेना। कुछ बोरिंग ही बनाया होगा, सेवियर से मंगवा लेता हूँ, वैसे भी काफी पैसे जमा हो गए हैं वॉलेट में। ये क्या बड़बड़ा रहे हो, कौन सा वॉलेट, कौन से पैसे? अरे सेवियर का वॉलेट। सेवियर के वॉलेट में पैसे कब से जमा होने लगे? तुम्हें यही नहीं पता? हाँ उस दिन मैंने बुके तो ऑर्डर किया था, बट ये वॉलेट का चक्कर नहीं पता मुझे। अरे यार देखो, सेवियर पाकिस्तान की सबसे पहली कैशबैक ऐप है, जिसमें आप अपना रेफरल लिंक अपने दोस्तों को बेच सकते हो, और वो तमाम दोस्त जो वो लिंक यूज करके 1000 रुपए से ज्यादा शॉपिंग करें उसको भी 500 रुपए, आपको भी 500 रुपए कैशबैक मिल सकता है। और सिर्फ ये नहीं, सेवियर के तमाम ऑनलाइन ब्रांड्स पे अप टू 25% कैशबैक है, और तो और ब्रांड्स के अपने डिस्काउंट अलग। पैसे कमाने की और बचाने की बेस्ट ऐप है। अरे वाह यार, पहले बताते ना तुम। पहले बताऊं तो मुश्किल, बाद में बताऊं तो मुश्किल, क्या मुसीबत है। अच्छा खैर छोड़ो, वो तुम्हारा कजन आ रहा था ना, वो कब आएगा? उसने बताया नहीं। कहीं प्लान कैंसिल तो नहीं हो गया? मुश्किल है यार, वो तो काफी एक्साइटेड था, लगता है खुद ही आ जाएगा। अल्लाह ना करे। अरे यार अब कौन आ गया, तो सारे दिन बेलें ही बजती रहती हैं यार। रुको मैं देखता हूं। जी आप कौन? अगर आप कुछ बेच रहे ना तो हमें नहीं चाहिए, और अगर आप बिल्स के मामले में आए तो हमारे सारे बिल्स क्लियर हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे आप फिर से, आपको चाहिए क्या भाई? अरे गजनफर, मैं जमील, तुम्हारा कजन यार। कजन? अरे पहचाना नहीं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। ए यार कजन को नहीं पहचान रहे, कितनी शर्म की बात है यार। अरे हाँ, रिदा तो कत्ल कर दी मेरा। अरे यार जैसी तुम तो ऐसे घबरा रहो जैसे मैं तुम्हारे घर में चोरी करने आया हूँ। अरे नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ। हाँ यार अंदर तो बुला, आ जाओ। रिदा जमील से मिलो, ये मेरा वो टर्की वाला कजन, याद है मैंने बोला था कुछ दिनों के लिए आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये मुसीबत कहाँ से नाजिल हुई इस वक्त? अच्छा आपने खाना तो नहीं खाया होगा? आपको कैसे पता भाभी? नहीं नहीं वो असल में आप थके हुए लग रहे थे ना इसलिए। हाँ थका हुआ तो हूँ। तो एक काम करो, चाय पियोगे ना? हाँ चाय। हाँ एक चाय बनाओ, उसके साथ स्नैक्स और बिस्किट वगैरह ले आओ जल्दी से। पता नहीं। जमील। अरे बैठो 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 बैठो। यार तुमने बताया नहीं तुम्हारी फ्लाइट कब थी, तुम्हें एड्रेस कैसे पता चला, और कॉल ही कर देते यार मुझे। यार अगर मैं तुम्हें कॉल कर देता तो तुम्हें सरप्राइज करके तुम्हारे एक्सप्रेशंस कैसे देखता, और वैसे भी व्हाट्सएप पे तुमने सब कुछ बताया हुआ था कि मैं इस एरिया में इस अपार्टमेंट में रहता हूँ। मैं पहुँच गया, लोगों से पूछा कि ये बेकार वाला जैजी कहाँ रहता है, बता दिया उन्होंने। वैसे एक बात है यार, मोहल्ले में तुम्हारी कोई खास इज्जत तो नहीं है। बेकार जैजी कोई नाम हुआ। ओ सुन, ये सीरीज कैमरे चेक चाहिए या नहीं? चाहिए। इडियट, अभी भी टाइम है, मंसूर को बुला लूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मजाक कर रहा था यार, तुम तो बिल्कुल बचपन जैसे हो, पहले भी मजाक नहीं समझते अभी भी नहीं समझते, अबे जोकिंग यार। बचपन वाला ही हाल है, बस फर्क ये है कि बचपन में हम ही से डांट सुनता था, अब रिदा से डांट सुनता हूं। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। जैजी। हां ओ एक सेकंड बैठो, मैं आता हूं, कुछ तोड़ा नहीं। मर चाहे टर्की में हो या कराची में, एक ही हाल होता है। कुशन तो अच्छे हैं। क्या है रिदा? तुम्हें पता था ना कि ये आ रहा है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था रिदा, आई स्वेयर मुझे नहीं पता। अब तो वो आ गया, अब थोड़ा मूड सही कर लो प्लीज। भाई जब लंदन से फूफा आई थी ना, तुमने तब भी यही डायलॉग बोला था। रिदा इस तक बोलो, वो सुन लेगा, बैठा हुआ है। यार टर्की से आया था, ये नहीं कोई गिफ्ट ही लिया था हमारे लिए? अच्छा रिदा जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें टर्की ले चलूंगा, और जो गिफ्ट चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगा। सही है, अभी फिलहाल बस मूड सही कर लो और चाय बना दो। मैं कोई नहीं बना रही चाय, भाई तुम खुद ही जाओ बाहर से ले आओ। इतने गर्मी में मैं नहीं जा रहा बाहर, एक काम करता हूँ सेवियर से मंगवा लेता हूँ। अच्छा अब ऑर्डर कर ही रहे हो तो यार मेरे लिए भी स्ट्रेटनर ऑर्डर कर दो, वो असल में शादियां आ रही है ना तो बाल नहीं बन पाते। एक तो तुम और तुम्हारे बाल, चलो कर लेता हूँ ऑर्डर। अच्छा एटलीस्ट ठंडा पानी तो ले आओ बेचारे के लिए। हाँ हाँ लाती। Huh?
जमील डरा दिया तुमने मुझे। अभी तो मैं और भी डराऊंगा। क्या हो गया जमील, इतनी सुबह क्यों जा गए, कोई काम है? अरे यार तुम कैसे आदमी हो यार, मेहमान हूँ मैं तुम्हारा, मुझे घुमाओ फिराओ खिलाओ पिलाओ यार, लेटे पे सो रहे हो। जमील आज संडे है। हाँ तो इसीलिए तो उठाया है। ओ भाभी मैं आता हूँ। क्या मुसीबत है यार, इस घर में कोई प्राइवेसी नाम की चीज़। यार इधर बात सुनो, मुझे पता है बंदा थोड़ा नोएंगे, बट एक दो दिन की बात है, बर्दाश्त कर लो। भाभी थोड़ा जल्दी आइएगा प्लीज, बहुत भूख लग रही है, नाश्ता बनाते हैं और हाँ मैं पराठा खाऊंगा अंडे के साथ। जी 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 प्लीज जल्दी जल्दी आइएगा। मैं इसकी कोई पर्सनल शेफ लगी हुई हूँ क्या? जमील ये देखो, ये है फ्रेयर हॉल। ये कराची की एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मतलब अंग्रेजों की जमाने की बिल्डिंग है और ये एक लैंडमार्क है कराची का। हाँ यार मैंने बचपन में देखा था, ये रेड था, अब ग्रीन कर दिया इसको। हाँ ग्रीन कर दिया, यू नो इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। चेंज कर दो। हाँ चेंज भी अच्छा है, चेंज अच्छा है बहुत। आ जाओ हार में जाइए। यार मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा कजिन कुल्फी भी खा रहे हैं, कुल्फी खा रहे हैं, कुल्फी एंजॉय कर रहे हैं। बादाम वाली कुल्फी है। बादाम वाली। हां कितने बाइट टाइम बाद खा रहे हो यार? वजन में तकरीबन 20 साल बाद तो खा रहा हूं। 20 साल बाद तो मैं पाकिस्तान से लेता हूँ। ये सही है, ये बंदा शरीफ आदमी, ये नहीं करता इस तरह। ये फौरन दे देता, फौरन दे देता। I'm with my cousin #Cora or #TurkeyWalaCousin. आप लोग भी विश करते, आप लोग भी टर्की वाला कजिन होता ना? नहीं मेरे पास है टर्की वाला कजिन। हाँ जमील कैसी बिल्डिंग है? बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग है यार। हाँ बड़ी एंटीक बिल्डिंग है। वैसे पता है अंदर एक लाइब्रेरी भी है। अच्छा बट कोई लाइब्रेरी नहीं आता। क्यों? आज के लोग सिर्फ एक चीज ले आते हैं, वो क्या? हो गया तुम लोगों का चुचोरपन, अब चलें। हाँ हाँ चलो चलो चलो, लेकिन यार मुझे ना वो ऊंट पे भी बैठना है। ऊंट पे? ये टर्की में ऊंट नहीं होते क्या? नहीं यार वहाँ तो सिर्फ कुत्ते होते हैं। सही बात है, तुम भी तो वहीं से ही आए हो। जी भाभी कुछ बोला आपने? हाँ नहीं नहीं चले। हाँ चलो चल चल ना जाने। यार वैसे जैजी टर्की हो या थाईलैंड, अपने मुल्क की बात ही अलग है। और इतने दिन हो गए मैंने अपने मुल्क का कुछ खाया भी नहीं। अपना मुल्क का खाना? हाँ यार मैं तुम्हें खिलाता हूँ देसी तड़का मसालेदार वाला खाना। चल फिर आजा आजा। यार जैजी अपने खानों की बात ही कुछ और है यार, ये खुशबू ये टेस्ट कहीं नहीं मिलता। सही कह रहा है यार, सही कह रहा है। चलो स्टार्ट करो, तुम स्टार्ट करो ना। अरे नहीं 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 स्टार्ट करो स्टार्ट। चलो 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 चलो। अरे यार अच्छा अच्छा ये लो चलो चलो जरा स्टार्ट करो। आ जाओ आ जाओ चलो।
आज तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। खासतौर पर जो ऊंट पे बैठे ना, ओहो, तुम भूल गए फ्रेयर हॉल में जो हमने टिकटॉक बनाई। अरे स्लो मोशन वॉक, वो तो मैंने अपलोड भी कर दी, टैग भी कर दिया तुम्हें। जबरदस्त यार, लेकिन टिकटॉक बैन नहीं था पाकिस्तान में? अबे कभी बैन होता कभी नहीं होता, खुद समझ नहीं आता, अजीब ही सीन है। हाँ यार, कभी भी बैन हो जाता है। रिजा, नया टीवी आ गया हमारा। अरे शुक्र है, कुछ तो अच्छा हुआ पूरे दिन। यार ये टीवी कहाँ से आया? सुबह से तो आप लोग मेरे साथ ही थे। सेवियर ऐप से? सेवियर ये क्या है जैजी? सेवियर कैशबैक ऐप है, वहां से मैंने ऑर्डर किया है। सेवियर से ऑर्डर करने से मुझे 7% कैशबैक मिला वॉलेट पे। आज के जमाने में शॉपिंग करने में पैसे वापस कौन देता है? वाह यार, ये तो आप लोगों के मजे आ गए, मुझे भी बता देते, मैं भी कुछ ऑर्डर कर लेता, अपने साथ टर्की ले आता। वैसे भी इतना एक्सपेंसिव है ना टर्की, मैं क्या बताऊं यार। इसे सब बता दे हम। अरे नहीं 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 यार, सर में दर्द हो रहा है, चाय मंगवा लूं? चाय? मैं रात को चाय नहीं पीता। क्यों भाई? मतलब रात को चाय पीने से ना वो पेट खराब हो जाता है यार। पेट खराब हो जाता है? यार वो एसिडिटी। ओह अच्छा अच्छा, मसला थोड़ी, तुम लोग पियो यार, को टेंशन थोड़ी यार। अरे क्या हो गया, सही से बैठो। कुशन तो लगवाओ यार। अरे नहीं, वो पैसे कम हो जाए तो आधा बनाया उसका। अबे आधा बन वाली, ये क्या बात हुई यार। हाँ शहजाद, दो कप चाय ले आओ जल्दी से। आप लोग बैठो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। बैठो बैठो। क्या मजा आया ना? ऐसे क्यों देख रहे थे? क्यों नहीं मजा आया भाई? इतने दिन बाद हमने कढ़ाई खाई है, सी भी हो गए, कुछ तो एंजॉय किया होगा। तुम्हारे कजन के साथ नहीं? साथ चाय पिए पिए। पिए पिए मजे के। साहब वो अगर छुट्टी मिल जाती तो। अरे शहजाद, मेहमान आए हुए हैं तुम्हें पता तो है। कहाँ? अभी अभी तो वॉशरूम गया है ना। अच्छा लेकिन एक काम करो, कल ही चले जाएंगे ना, फिर हम देख लेंगे तुम्हारी छुट्टी का। सही है, अगर छुट्टी मिल जाती तो। हाँ हाँ हाँ, कल के बाद, कल के बाद। सही, आखिरी दिन इनका कल। ठीक ठीक सर। हाँ भाई, चाय आ गई आप लोगों की? हाँ, फ्रेश हो गए तुम? हाँ यार, फ्रेश हो गया। अच्छा वैसे जमील, एक बात बताओ, कल तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे? यार मेरी फ्लाइट 1:30 बजे की है, लेकिन 11 बजे तो निकलना पड़ेगा मुझे यार। तो काम करो, तुम जाके लेट जाओ, थक भी गए होगे, और वैसे भी पैकिंग भी करनी होगी। हाँ पैकिंग भी तो करनी है यार, सब कुछ करना है कल, लेकिन मैं मिस करूंगा तुम लोगों को। यार आज बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ तुम लोग आराम से चाय पियो, मैं पैकिंग करता हूँ। सही है, ओके, अल्लाह। जैसे मुझे लगता है बहुत चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें भी चक्कर आ रहे हैं? मैं तो समझा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। मैं लेटने जा रही हूँ। ठीक है, मुझे ऊंट पे नहीं बैठना चाहिए था। रिदा, मैं भी आ रहा हूँ। रिदा, रिदा उठो। क्या है यार, इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो? अबे टाइम तो मैंने भी नहीं देखा है, 1:30 बज गए। 2 बजे जमील की फ्लाइट थी। है? 2 बज रहे? अरे यार उसको निकालो घर से किसी भी तरह यार। अच्छा सोचने दो, सोचने दो। अरे सोचने का टाइम नहीं है, चलो उठो। हाँ चलो चलो चलो। ये क्या हुआ? ये क्या बकवास है रिजा? मेरा नया टीवी, मेरा टीवी कहाँ गायब है? जैसे मुझे लगता है कोई घर में घुसा है। हाँ घर में घुसा, जाके देखो ना। वो देखो वहाँ पर होगा। और जमील कहाँ है? मुझे क्या बताओ, उसके कमरे में चल के देखते हैं। तुम पहले जाओ। है? ये जमील कहाँ गया? रिदा ये कहाँ गई? जमील वॉशरूम में तो नहीं हो? जमील पेट तो सही है ना? वैसे कल रात के कबाब वाकई में बहुत स्पाइसी थे। जमील जाजी। क्या हुआ?
जैसी मेरा जेवर। तू कहाँ है? तुम्हारा कजन ले गया सब कुछ। अरे नहीं ऐसे नहीं बोलो, चोर भी हो सकता है, वो बेचारा इतना अच्छा आदमी था, कल कितना एंजॉय किया हमने। अरे उसके कमरे में एक लेटर था ना। हाँ आओ चलो, चलो देखते हैं। गुड बाय जैसी निर्दा, मेरा काम हो गया, शुक्रिया। मेरा काम हो गया? देखा, ये इसी काम के लिए आया था। नहीं 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 यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जमील ऐसे नहीं कर सकता, इतना घुमाया फिराया हमने उसको, ऐसे कैसे कर सकता है? तुम्हारे कजन ने ही चोरी किया, मैं नहीं जानती। अब मेरा जेवर लेकर आओ तुम। मैं कहाँ से लाऊं, अब तो वो टर्की पहुंच गया होगा। हाँ तो मैं नहीं जानती यार, टर्की जाओ मेरा सामान लेकर आओ। रिदा तुम्हें पता है टर्की का ट्रिप कितने का होता है? उतने का तुम्हारा जेवर भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो, मेरा जेवर 10 लाख का था। 10 लाख? तो मैं क्या करूं फिर? तो टर्की जाओ मेरा जेवर लेकर आओ। Are you serious? जब तक तुम मेरा जेवर नहीं लाए ना, तुम इस घर में एंटर नहीं हो सकते। जाओ। मैं जा रहा हूँ भाई, कहाँ से लाऊं ये जेवर, मैं टर्की कैसे जाऊं मैं? टेलीफोन यार, वैसे मेरी जिंदगी में क्या कम मसले थे, अब कहाँ मिल गया यार ये बंदा, निकल गया होगा टर्की, निकल गया भाई ये हाथ से। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद। क्या करूँ यार। बहुत बड़ा भंड मार दिया इसको घर बुला के, पता नहीं कौन था, ये कजन भी था या नहीं। अबे जमील उठा ले यार, नहीं उठा गया, निकल गया काम करके निकल गया। क्या करूँ मैं यार, काम करता हूँ समी मुबीन से पूछता हूँ, शायद वो मदद कर दे मेरी थोड़ी। यार कितना कमीना निकला है जाजी, दोस्तों को तो भूल ही गया। अबे हाँ, जब से बारबेक्यू पार्टी हुई है तब से नजर ही नहीं आया, पता नहीं काम मर गया है। ये लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या हुआ? इसकी कॉल आ रही है। अबे मत उठा, छोड़। अबे रुक रुक, मैं इसको बताता हूँ। हेलो हेलो समी, किधर है यार? जी आप कौन, मैं आपको तो पहचाना ही नहीं। समी मजाक नहीं कर, अभी मेरा मजाक बना हुआ है। हेलो हेलो जैसी, तेरी आवाज कम आ रही है यार। यार समी जरूरी काम है, प्लीज मिल लो यार प्लीज। हेलो हेलो, अरे समी प्लीज जरूरी काम है। समी यार दोस्त भी सीरियस नहीं ले रहे, क्या करूं यार, फंस गया मैं बुरी तरह। क्यों क्या हुआ? ड्रामे कर रहा था, रोने की एक्टिंग कर रहा था। अबे हो सकता है कोई जरूरी काम हो उसको, रुक मैं कॉल करता हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्या करूं, पुलिस के पास जाऊं प्लीज। ओ, मुबीन कॉल आ रही। हेलो मुबीन। हाँ जैसी। अबे मुबीन बहुत बड़े मसले में फंसा हूँ मैं यार, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। अबे छोड़िए, एक काम कर, कैफे आ जा, हम लोग वहीं बैठे हुए। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आ रहा है कैफे, आ रहा है, आएगा रोना मचाएगा अपना। अबे तू पैदल क्यों आया, वो तेरी गाड़ी कहाँ है? अबे चाबी घर पे और मैं घर से बाहर। क्यों? अबे यार मेरा वो मनुज कजिन आया था, पता नहीं कहाँ से आ गया वो, बोला यार जैसी मैं डेडी से आ रहा हूँ, मैंने बोला हाँ आ जाओ, अब मुझे क्या पता चोर होगा। उसने निदा सारी अपनी जेब लाई, वो सारा चोरी करके लेकर आज सुबह पता चला, उठा सारी चीजें गायब थी घर से, कहाँ से लाऊं मैं उसको ढूंढ के, हमें जाना पड़ेगा उसको ढूंढने, मैं कहाँ से लाऊं उसको, अजीब पागल आदमी था वो, फोन में बोला अभी आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, हम लेकर भी गए उसको और सारा जेब लेकर चला गया वो। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें? अब हम तीनों को टर्की जाना पड़ेगा और क्या। यार मेरे तो कजन की शादी है, तो मैं मेरा मुश्किल है, मेरी तो नौकरी होती है, मैं कैसे जा सकता हूँ? अबे एक तो तुम लोगों के मसले, क्या पैसे मैं दे रहा हूँ यार। तू कर रहा है? तू पे करेगा? हाँ अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चल ही लेते हैं। और मुबीन तू? अबे मैं तो अवेलेबल हूँ। चल बस अब उसको पकड़ के लाते हैं। चलो यार, चाय आ रही है पी लें? चाय तो पिला दो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, मुझे भूख लग रही है यार, कुछ पिलाओ पिलाओ। वैसे जैसी कुछ भी हो, व्यू बहुत प्यारा है, सारी थकान दूर हो गई। अबे वैसे तूने कनेक्टिंग फ्लाइट क्यों करवाई थी? यार असल में फर्स्ट क्लास टिकट्स करवा रहा था, बट सारे सोल्ड आउट हो चुके थे, तो इसलिए मुझे करवाना पड़ा। नाशुक्र दोस्त, एक तो मैं लेकर आया, ऊपर से ये पूछ रहे हैं ये तुमने कनेक्टिंग फ्लाइट क्यों करवाई है।
वैसे कुछ ऑर्डर तो कर दे यार, बहुत भूख लग रही है। ओए अभी इतना खा कर आए तू फ्लाइट में? अबे हम तेरी दिहाड़ी पे आए हैं, अगर मजदूर खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा खिला दूंगा, और जो खिलाऊंगा ना चुपचाप खा लेना, ज्यादा नखरे नहीं दिखाना। अच्छा मैं जा रहा हूँ आराम करने, कुछ ऑर्डर कर दो जल्दी। ओए एक घंटा है तुम्हारे पास, निकलना है अभी हमें। अबे वैसे ये बता हलीमा इस्तांबुल में रहती है? पहले जमील को ढूंढ ले, फिर सबको ढूंढ लेंगे। हलीमा अर्तुगरुल जो भी कास्ट है सबको ढूंढ लेंगे, ठीक है? अबे मैं भी जा रहा हूँ आराम करने। तो पता नहीं किसको ले आया मैं। वाह इसकी भी कॉल अभी आनी थी। हेलो हाँ रेजा। हाँ जैजी ढूंढ लिया अपने कजन को? यार पता है क्या, वो तो हमें एयरपोर्ट से बिकरने आया था। क्या रेजा अभी तो हम लोग पहुंचे, सुकून की सांस तो लेने दो। जैसे अगर मेरी चीजें लिए बगैर वापस आए ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी, याद है ना तुम्हें? और हाँ अपने निकम्मे दोस्तों को बोलो जरा काम कर लें, कुछ सो तो नहीं रहे वो लोग? नहीं नहीं अभी हम काम ही कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह पकड़ेंगे जमील को। अबे ये लोग यहां सोए पड़े हुए। समी मुबीन ओए उठो जागो। अबे यार हम लोग यहाँ तफरी करने थोड़ी आए, ना हम लोग सोने आए ना हम लोग वेकेशन मनाने आए, हम जमील को ढूंढने आए। यार मैं किन लोगों को ले आया अपने साथ? समी मुबीन जागो यार। अबे खाने के लिए क्या लाया है यार? ये लो ये तेरा नाश्ता और ये तेरा नाश्ता, ये खा के उठो तैयार हो, हमें मिशन पे जाना है। अबे ये एक बिस्किट? एक बिस्किट नहीं, इसमें बहुत सारे बिस्किट हैं, सारे खा लो। अबे बिस्किट कौन खाता है खाने में? ये भूखा मारेगा मुझे। ओ भाई हम ना स्टाइल मारने नहीं आए, जिमी को ढूंढने आए, चलो। हेलो हाँ रिदा। हाँ हेलो जैजी कुछ पता चला? नहीं यार आज ढूंढने निकले थे और उसके एरिया गए, कुछ लोगों को तस्वीर दिखाई मगर कुछ नहीं पता चला। जैजी अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो मुझे ही आना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम क्यों आओगी, टेंशन नहीं लो हम ढूंढ लेंगे, टेंशन नहीं लो। अच्छा सुनो अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ना तुम शहजाद को बोल लेना, वो ले आएगा। शहजाद तुम्हारे सामने ही तो गया था छुट्टियों पे, याद नहीं है क्या? अरे ओ हाँ 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 हाँ। वैसे भी मुझे शहजाद या तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे पास सेवियर है, मैंने सुबह ही वहाँ से सारी ग्रोसरी मंगवाई है। और हाँ तुम्हारे कार्ड से वॉशिंग मशीन भी ऑर्डर कर दी। क्या मेरे कार्ड से? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सेवियर पे अप टू 25% कैशबैक चल रहा था। एक तो तुम्हारे ही पैसे बचा के तुम्हारा वॉलेट बना रही हूँ ताकि तुम्हारा मंथली खर्च कम हो। ये भी सही है, तुम्हारे सही के मजे चल रहे हैं। अच्छा आप जो काम करने गए थे वो करके आना, वरना घर आने की जरूरत नहीं है। कौन हो भाई, क्या हो गया? अबे क्या कर रहे? सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई मुझसे। भाई मैं जमील नहीं हूँ यार। ये तो जमील नहीं लग रहा मुझे। आने आने दे इसको। यार मैं कुछ और समझा, यार पुलिस को नहीं बताना। हाँ ठीक है। हाँ हेलो, पता नहीं यार कौन कौन आ जाता है।
तू पागल तो नहीं हो गया? कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अबे क्या करूँ, मैं समझा जमील था। इसी के पीछे भागेगा तू? अबे मुझे क्या पता चाइना का हार्दिक पांड्या होगा। चल यहाँ से, चल चल, भूख लग रही है मुझे। अरे गूगल कर रहे हैं यहाँ से राइट और फिर आई थिंक लेफ्ट लेना होगा। अबे वहां से चलते हैं। वहां से? हाँ। अगर हम यहाँ से जाए लंबा पड़ेगा, यहाँ से जाए यहाँ, हाँ यहाँ कम पड़ेगा रास्ता। अबे यार समी यार चल ना यार, टाइम वैसे ही निकाम है, हाँ बाद में ले लेना, चल चल चल। एक मिनट चल, अच्छा सुन, यहाँ बहुत आवाम आती है तो यहाँ पर चांस है कि जमील मिल जाए, समझा? शॉपिंग भी बहुत अच्छी होगी यहाँ से, है ना समी? यहाँ हम शॉपिंग करने नहीं आए हैं, जिसके लिए आए हैं उस पर फोकस करो, सही है? जमील को ढूंढना है। अच्छा मुबीन तू वहाँ जा, मैं यहाँ जाऊँगा और समी तू उस तरफ जा, सही है? इधर। हाँ ना चुप कर, और एक डेढ़ घंटे बाद हमें वापस यहाँ मिलना है, सही है? चल मैं निकला। ठीक है चल। और समी सुन, इधर उधर मत चले जाना, मेन टारगेट जमील है, उसको ढूंढना है, सही है? जमील जमील। लग रहा है ये बच्ची भी जमील को ही ढूंढ रही है। अबे डेढ़ घंटा होने वाला है, जैजी वेट कर रहा होगा। चल यार। अबे यार यहां भी कोई आसरा नहीं दिख रहा, कहाँ रह गए ये लोग, मैंने डेढ़ घंटा बोला था। अबे जैजी देख, पूरे डेढ़ घंटे में आया हूँ मैं। चलो चलें आप। अबे समी का है? अबे यार ये समी, समी का होना ना होना कोई फायदा नहीं पड़ता, चलो निकलो यार, हम तो निकले आगे। अरे मेरी टांग, अरे मेरे पाँव, अल्लाह। अबे थक गया भाई। वाकई में यार। तेरा जमील नहीं मिल रहा भाई। जमील को उठो, समी कहाँ है? एक काम कर, तेरे पास मोबाइल है ना, कॉल कर। अबे हाँ। अरे इसकी कहाँ से कॉल आ रही है? हाँ जाजी। हेलो, हाँ समी कहाँ है तू यार? अरे मैं इधर गलाटा टावर पे हूँ। गलाटा पे? हाँ गलाटा। यार तू गलाटा पे क्या कर रहा है? गलाटा कैसे पहुँचा? नहीं वो असल में मैं ऊपर से ढूंढ रहा हूँ ना, ऊपर से ढूंढ रहा हूँ वो किधर है, मैं ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सब जगह पे कहीं दिख जाए तो आसानी हो जाएगी ना हमें। अबे यार समी इस तरह थोड़ी मिलेगा जमील, जल्दी आ वापस यार, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो आता हूँ, अभी तो नहीं जा रहा मैं, ऊपर आया हूँ, एंजॉय तो कर लूँ। ये घूमना है भाई। हेलो, हाँ जमील साहब, यार आपकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ यार। जमील? अरे हाँ जमील साहब, आपकी बिल्डिंग के नीचे ही तो हूँ। वैसे जमील का नाम बोला है, मैंने सुना है। ओए बर्गर खाना यार आप? नहीं नहीं गुड नहीं। ओ चल चल चल। ये भाई अच्छा यार, झूठ तोड़े बोल रहा है, आ गया बस मैं। ये बिल्डिंग है? मुझे लगता है यही बिल्डिंग है जमील की। हाँ क्या हुआ? शुक्र है तू आ गया, बैठ। क्या हुआ? बैठ बैठ। अबे पता है जमील इस बिल्डिंग में रहता है? हैं इस बिल्डिंग में? अबे हाँ, हल्के बोल हल्के बोल। हाँ इसी बिल्डिंग में रहता है, हमने बंदे को फॉलो किया था।
जमील था? अबे नहीं, जमील नहीं था, कोई बंदा था, जमील का नाम ले रहा था बार बार, तो हमने उसको फॉलो किया, इसी बिल्डिंग में गया है, तो हमें लग रहा है इसी बिल्डिंग में रहता है जमील। फिर अब क्या करना है? एक सेकंड, कोई निकल रहा है, ये मुझे जमील लग रहा है, ये जमील है। अबे रुक जा, सब्र कर, कराची नहीं है ये, इस्तांबुल है। अभी अजीब मरवाएगा तो, मुझे लग रहा है, देखो जा रहा है बंदा। और तुझे कन्फर्म है कि ये जमील है? लग रहा है कि बुनियाद पे जेल में डाला हमें तो। हाँ तो क्या करें? एक काम करते हैं, होटल चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या करते हैं। अरे हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, रिदा मार देगी मुझे। अबे चल चल यार, जा रहा है यार। अच्छा अच्छा, यहाँ से यहाँ से। अबे कब से तू सुन रहा है, कौन बुड्ढा है ये? मुझे लग रहा यहाँ का जावेद शेख है। जावेद शेख नहीं, जावेद शेख साहब बोलो, सीनियर है हमारे। वैसे अब जावेद शेख साहब कौन से फिल्म में अबू का रोल करने वाले? अबे तू उनकी फिल्म की फिक्र छोड़ और जमील की फिक्र कर। अबे यार अब इसकी कमी थी सिर्फ। अरे उठा ले यार, कहीं यहीं ना आ जाइए। वे हाँ बे उठा ले, फोन से बाहर आ जाएगी वो। अच्छा ना, इसकी आवाज़ तो कम कर। हेलो जैसी। हेलो, हाँ कौन? जैसी तुम सो रहे हो? मेरी चीजों का कुछ पता नहीं चला और तुम सो रहे हो? रिदा ढूंढ लेंगे यार, टेंशन मत लो। जैसी तुम सुन रहे हो क्या? हाँ रिदा पता चल रहा है यार, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? तो लगता है इन तीनों का एक और वेकेशन प्लान है। बॉयज अब हमें कुछ करना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि रिदा मेरे पीछे पड़ गई है। और सुनो, मैं तो दोपहर में उसके पीछे भाग रहा था, तूने ही मुझे रोका था कि मेरे पास एक प्लान है, मैं होटल में जाके बताऊंगा। क्या प्लान है तुम्हारा? अबे तू क्या चाहता है, हम लोग इस्तकलाल स्ट्रीट पे दोनों बुर्खा पहन के उसके पीछे करें? अबे थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कुछ सोचने तो दे। अबे हाँ यार, और टर्की में अगर हम फंस गए तो मैंने तो अभी तक टर्की सही से घूमा भी नहीं है। अबे तू तो चुप कर, और टाइम नहीं है हमारे पास, हम यहाँ वेकेशन करने थोड़ी आए हैं। पहले ये तो कन्फर्म करो कि जमील वहाँ रहता भी है कि नहीं, पहले तो हमें ये कन्फर्म करना पड़ेगा। अबे वहीं रहता है यार, अच्छा खासा मैं उसको पकड़ने वाला था। आवाज बढ़ाओ। आज तो देख के ही जाऊंगा साले को। यार पता है बहुत भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया मैंने। मैं काम करता हूँ उस रेस्टोरेंट से, जल्दी से कुछ खा के आता हूँ, ठीक है? अबे चुप करके खड़ा रहे। हाँ पहले इसको देख ले, फिर जो करना कर लेना। ओए ओए कोई निकला, कोई निकला। ये जमील है? रुक रुक अभी पता नहीं चल रहा, आ जा आ जा। हाँ जी जमील बोल रहा हूँ। नहीं नहीं कराची से तो मैं कब का वापस आ गया। अरे यार वो मेरा एक वहाँ पर एक बेवकूफ़ सा कज़न है। बेवकूफ़? उसके पास ही रहता था, दूर का रिश्तेदार है। चलें चलें चलें, ओके मैं फ्री हो गया कॉल करता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़।
पकड़ा क्यों नहीं इसको? ये जमील ही था ना? देख अभी नहीं पकड़ा, मगर कंफर्म ये जमील ही है। अभी होटल चलो वापस, पूरी प्लानिंग के साथ इस साले को पकड़ेंगे। आ जा यार, इसी खुशी में कुछ आइसक्रीम खा लें। चुप करो, चल यार। अरे अरे अरे, कहाँ गए थे तुम लोग? शॉपिंग करने। अबे हमने सोचा कि जब आया तो कुछ शॉपिंग कर लेते। तो मेरे लिए कुछ नहीं लाए तुम लोग? एक तो मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ, थोड़ा ख्याल ही कर लेता है बंदा। अबे तू तो हमें काम करवाने लेकर आया, घुमाने थोड़ी। हाँ सही कह रहे मुबीन। अच्छा एक सेकंड चुप कर, रिदा की कॉल आ रही है। एक तो ये पीछा नहीं छोड़ती। हेलो। हाँ रिदा। हाँ हेलो, मिल गया क्या? रिदा बंदा सलाम दुआ कर लेता है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। प्लीज काम की बात करो जैजी। अच्छा पता तो चल गया इसके बारे में, बस हम प्लान करेंगे कि इसको पकड़ेंगे कैसे। और अगर नहीं हुआ ना ये काम, तो मैं तुम्हारी गाड़ी बेच दूंगी या मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी गाड़ी नहीं बेचना, वो बहुत मेहनत से मैंने खरीदी थी। इतनी डांट तूने अपने अम्मा अब्बा से भी नहीं सुनी होगी। यही हाल होता है शादी के बाद। अबे बकवास बंद करो तुम दोनों और सोचो करना क्या है। तुम लोग को तफी सूझी हुई है, शॉपिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, पकड़ेंगे कैसे उसको? सुनो जमील को छोड़ना नहीं है, वरना रिजा मुझे नहीं छोड़ेगी। अभी भी तुम फोन पे लगे हुए हो, सोचो ना। मुझे वॉशरूम आ रहा है। एक काम कर, कमोड पे बैठ के सोच, आइडिया अच्छा आएंगे। यार क्या करें क्या करें क्या करें, सोचो सोचो सोचो। को छोड़ यार। यार किस भूखर को ले आया तू? जी प्लान तो तू क्या करना है? अबे कम से कम एक चीज की तो तसल्ली हो गई कि वो जमील ही है। आइडिया आइडिया खा ले। सुनो प्लान याद है ना पूरा? हाँ हाँ पता है मुझे। तुम्हें क्या बावला ये क्या? प्लान पता है ना पूरा? हाँ हाँ याद है। अच्छा देख, हम तुझे जमील की बिल्डिंग पर ड्रॉप करेंगे, वहाँ तू जमील का बाहर निकलना ऑब्जर्व करेगा और हमें इन्फॉर्म करेगा। जब भी वो अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलेगा और बाजार की तरफ जाएगा जहाँ वो रोज जाता है। हाँ और बाजार में फिर मैं उसे फॉलो करूंगा, उस वक्त तक फॉलो करूंगा जब तक वो मुझे नोटिस नहीं कर लेता। और फिर वो जब मुझे नोटिस कर लेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा और बोलूंगा कि मुझे शेख अल हुमायूं अल सईद ने भेजा है, जो जॉर्डन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी बहाने हम उसे किडनैप कर लेंगे। ये चीज चले फिर, गुड है। अब देखो गाइस प्लान अच्छी तरह याद है ना? ओ भाई कहाँ जा रहा है, सिग्नल रेड है, गाड़ी उड़ा देगी तुम्हें। पागल है क्या? अब भंड ना मार देना यार। अबे देख अगर हम लोग भंड नहीं मारेंगे तो ये वेब सीरीज कैसे बनेगी? देख अगर तेरे अंदर इतनी अकल होती ना तो तू बिना रिसर्च किए जमील को अपने घर में नहीं घुसाता। बात तो ठीक है, अब क्या करूँ, कंफ्यूज हो गया था, गलती हो जाती है बंदे से, अब लेट हो रहे हैं, चलो यार। वैसे जैसे अगर हम उसको नहीं पकड़ पाए तो फिर क्या होगा? देख पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज की है, हम लोग भी तो पकड़े जा सकते हैं।
यार। क्या फायदा तुम लोगों को लाने का, अगर नहीं करना काम वापस होटल जाके सो जा, मैं अकेले कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं जल्दी यार, हम चल रहे हैं, आज हम उसको पकड़ करेंगे, ठीक है? चल चल चल, अबे रुक जा रुक जा, अभी बंद है, खुल गया। ओके ओके, क्यूरी बिल्डिंग थी ना? हाँ हाँ, ये पीली वाली। अबे यहाँ जाओ कोने पे। अच्छा सुन, हाँ जैसे ही जमील निकलेगा ना, हाँ तो तू उसको फॉलो करना शुरू कर दियो और पीछे से हमें बता दियो। सही है, पर हाँ ध्यान रखना कहीं तुझे देख ना ले, तुझे देख लिया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सही सही, तुम जाओ। चल चल चल, मैं खड़ा हूँ। कहाँ रह गई? हाँ जैसी, पहुंच गए हम। क्या हुआ, आया वो? यार मैं वेट ही कर रहा हूँ उसका, कहीं प्लान तो नहीं चेंज हो गया उसका? ऐसे पता तो नहीं लग गया कि हम आ गए हैं। अरे नहीं नहीं, तू वेट कर, आ जाएगा आ जाएगा। जब से वेट ही कर रहा हूँ, चलो जब नजर आते मैं बताता हूँ। हाँ चल ठीक है। क्या हुआ, पता लगा कुछ? नहीं यार अभी तक नहीं आया। अबे यार अगर हाथ नहीं आया ना आज ही, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बुखारी तो हो जाएगी वैसे। यार जब तक ये नहीं आ रहा तब तक कुछ खा लें हम। हाँ यार भूख तो बहुत लग रही है। हाँ इधर चलते हैं। यार ये तो नहीं आने वाला, वो पीछे कॉफी भी इतनी पी ली, वॉशरूम आ रहा मुझे अब, मैं तो होटल वापस जा रहा हूँ। यार समी फोन तो उठा ले कम से कम। अब जब बंदा मिल गया ये लोग फोन नहीं उठा रहे यार। आ यार मजा आ गया। अबे जैसे कि मिस बेल आई नहीं है, मुझे कॉल करता। अबे जमील तो नहीं आ गया? हेलो। हाँ जैसे क्या हुआ? तुम लोग फोन तो उठा लिया करो यार। अच्छा सुनो, वो तुम लोग की तरफ आ रहा है, रेडी रहो। अबे एक काम कर, तू होटल पहुंच, हम लोग संभालते हैं। अल्लाह करे काम हो जाए यार। चल जमील आ गया।
कहाँ गया ये? अरे यार, अबे ये सब तेरे बर्गर के चक्कर में हुआ है। अबे अच्छा, उस वक्त तो बड़े मजे से बर्गर खा रहा था तू, और उस वक्त मैंने जबरदस्ती खिला रहा था ना तुझे जैसे बर्गर। अच्छा चल छोड़, रुक, एक काम करते हैं, तू इस तरफ जा, मैं इस तरफ जाता हूँ। ठीक है चल। हेलो, हाँ रिदा। हाँ जैसी, कुछ तो अपडेट करो, क्या प्रोग्रेस है? आज रात तक मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। हैं? वैसे तो आज तक सरप्राइज की शक्ल में ना मुझे सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार ही मिले हैं। कभी अच्छी बात भी कर लिया करो। अच्छा ना, ओ बाय द वे जैसी, तुम्हें पता है मेरे सेवियर वॉलेट में ना 5,000 रुपए जमा हो गए। मैंने रेफरल लिंक अपने सारे दोस्तों को भेजा और वो सभी ने 1,000 से ऊपर की शॉपिंग की, तो मुझे कैशबैक मिलता गया। अब इन 5,000 से ब्लेंडर ऑर्डर करूंगी। वैसे मेरी दिमाग की देखी तुम बनाती रहती हो, ब्लेंडर की क्या जरूरत है? हैं क्या? रिदा पहले मैं चोर को पकड़ लूं, फिर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा जैसी प्लीज, किसी भी तरह मेरी ज्वेलरी तो ले आओ, वो मेरा खानदानी जेवर है, मेरे लिए बहुत कीमती है। और तुम्हें नहीं पता मेरी सारी कजन्स उसके पीछे थी, मगर मेरी नानी ने सिर्फ मुझे दिया वो। हाँ हाँ रिदा रिलैक्स हो जाओ, अब जो अगली खबर मिलेगी वो अच्छी ही मिलेगी। अच्छा ठीक है चलो, ओके अल्लाह। क्या बात है भाई, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रहे हो तुम। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ ये नहीं जानता कि आप कौन है, मैं ये भी जानता हूँ कि आपका नाम जमील है। भाई कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो? मैं आपकी किस्मत बदलने आया हूँ। वैसे वो कैसे? मैं हिज एक्सलेंसी शेख अल हुमायूं अल सईद का खास आदमी हूँ, जो जॉर्डन की रॉयल फैमिली के खास मेंबर हैं। उन्होंने आपका काफी नाम सुना था दुबई में, तो वो सोच रहे थे कि आपके साथ कुछ काम करें। वो टर्की आए हुए थे तो उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि आपसे मिलें, मगर अगर आप मिलना नहीं चाहते तो। नहीं, रॉयल फैमिली का मेंबर मेरे साथ काम करेगा? यार मेरी तो ईद हो गई भाई। खैर आप नहीं मिलना चाहते तो। अरे भाई रुको रुको रो यार, क्या जा रहा हूँ मैं भी, चलता हूँ ना साथ। चलने? हाँ ना, अब आए ना लाइन पे। अच्छा क्या वो बहुत अमीर है? जाहिर है, सोने के बर्तन, सोने का बाथरूम, सोने का जहाज, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें सोने की हैं। वाह यार मेरे तो मजे आ गए। अच्छा ये बताओ मेरा हुलिया ठीक है वहाँ जाने के लिए? देखो उनको वैसे भी गरीबों से बहुत प्यार है तो ये चलेगा। मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, चलो चलो। अभी हमने वो एक कैफे पे उनके बॉडीगार्ड का वेट करना है, वो हमें लेके जाएगा, सही है? ठीक है, ये भी ठीक है, चलो चलो। थैंक यू यार, तुम मुझे लेके जा रहे हो रॉयल फैमिली के मेंबर। अरे यार पहले से ही चाय का इंतजाम जबरदस्त यार। बस बॉडीगार्ड आता होगा जब तक आप चाय एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जमीन बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। अरे वाह पहले ही सोना। अबे सोना नहीं है, चॉकलेट है। brother, this is chocolate. असल में शेख का मानना है कि कुछ भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मीठा खा लेना चाहिए, तो ये चॉकलेट है। कोई मसला ही नहीं, अभी मीठा खा लेते। भाई चॉकलेट भी सोने के रैपर में। इसको संभाल के रखूंगा। बहुत मजे की है, मजे की है, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। जॉर्डन शेख पैसा है? मनी हाइस्ट सीजन 5? नहीं बंद हो गया सीजन 3। हाँ सोना कहाँ है? कैसा सोना? अरे सोना कहाँ है भाई? कैसा सोना? अरे सोना सोना कहाँ है?
अरे भाई कौन जल्ला दे ये हैं तुम्हारे शेख अल हबीब अल हुमायूं, क्या नाम है इनका? भाई चॉकलेट तो खिला दो, भूख लग रही है बहुत यार। अबे चुप कर, बजट नहीं है। देख क्या आते हैं। मुझे तो लेके जाओ यार, खोलो इसको। भाइयों हेलो हेलो। हाँ रजा, तुम हमेशा मुझे गलत टाइम पे क्यों कॉल करती हो? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया जैजी? कुछ नहीं। हाँ रजा बोलो क्या है, मैं बहुत जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ। रहने दो, कोई जरूरी काम में मसरूफ नहीं हूँ। पार्टियां कर रहे हो तुम सब वहाँ पर। कौन सी पार्टी रजा? मैं ये जमील चोर को ढूंढने आया था और तुम लग रहा है मैं पार्टी कर रहा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत ही निकम्मे हो, चोर मैंने पकड़ लिया है। हैं क्या? मगर जमील तो मेरे पास है, तुमने कौन से चोर पकड़ लिया? कौन है चोर बताओ मुझे। तुम घर आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और ये बहुत कर्ली टर्की की सैर, पहली फ्लाइट से वापस आओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो इतने दिनों से जमील को ढूंढ रहा था, और अब तो तुम्हारे पास सेवियर है, मेरी क्या जरूरत है? सेवियर तो है मेरे पास और हमेशा रहेगा, मेरी तो जिंदगी ही आसान कर दी सेवियर ने। मगर तुम जल्दी वापस आओ कराची, चोर से नहीं मिलना क्या? हाँ हाँ हाँ, बस आ रहे हैं, और मैं आके उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। तुम अगर ये कर सकते होते ना तो चोर मैंने नहीं पकड़ा होता अभी। अच्छा रे, मैं कह रहा था हम जब आ ही गए हैं टर्की, हम थोड़ा घूम फिर लें, चोर तो वैसे तुमने पकड़ ही लिया है। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम वापस आओ घर संभालो, ताकि मैं भी तो अपना ऑल गर्ल्स ट्रिप प्लान करूं। तुम्हारी तरह मैं नहीं एंजॉय करूं क्या अपने फ्रेंड्स के साथ? अरे रिदा तुम अकेले कैसे आओगी? हेलो हेलो रिदा, हेलो। क्या यार अजीब मुसीबत है, इसको लग रहा है मैं यहाँ वेकेशन मनाने आया हूँ। अब जब इसको लग ही रहा है वेकेशन मना ही लेता हूँ मैं। क्या हुआ? ओए गुड न्यूज, रिदा ने चोर को पकड़ लिया। हैं? हाँ तो चोर कौन है? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता है, कह रही थी जब कराची वापस आओ उस वक्त पता चलेगा। अबे तो ये जो मुसीबत अंदर लेकर आ गए इसका क्या करें हम लोग? अरे हाँ ये भी तो है, एक काम करते हैं इसको बांध के कहीं ये बॉस्फोरस में फेंक देते हैं। अबे ये कराची नहीं है कि कहीं भी चलते हुए कचरा फेंक दिया, इस्तांबुल ही है। अरे मेरे पास एक आइडिया है, अब जब इसको पकड़ ही लिया है तो इसके घर वालों से थोड़े पैसे पकड़ लेते हैं। समी पहले मुझे लगा तू थोड़ा पागल है, अब कन्फर्म है तू पूरा ही पागल है। यार मैं तो तेरी भलाई सोच रहा था कि वापसी का खर्चा निकल जाएगा। अबे आप क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, जब ये साला कराची आया था मुझे कंगला करके गया था, कभी फ्रेयर हॉल, कभी बंस रोड पे डिनर, कभी वहां कभी यहां, इसकी शॉपिंग के पैसे भी मैंने दिए। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं। बांध दिया, पता नहीं कौन लोग हैं, क्या करें। भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मासूम सा इंसान हूँ, क्यों मुझे बांध के लिए आए यहाँ पर? यार मैं मानता हूँ मैं इडियट हूँ, लेकिन इतने भी नहीं हूँ यार। और मुझे पता है कि आप लोगों ने ना मुझे किडनैप कर लिया है, और ये कोई शेख वेख नहीं है, मुझे पता है सब, समझ? अब मेरी बात सुनो। हाँ। सोना कहाँ है? अरे मेरे बाप, कौन सा सोना यार, कैसा सोना? अरे जमील मैं जैजी। ये अबे मैं कह रहा हूँ सोना कहाँ है, मैं कहाँ सोऊंगा, मैं होटल में थोड़ी रुकने वाला। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कैसा दिया? अच्छा था। अरे हाँ समी और मुबीन से मिलो। सॉरी मैं रिदा को नहीं ला पाया, उसकी जगह मैं इन दोनों को ले आया। भाभी को ले आते, अब इस मोटे सांड को लेके कहाँ घूमूं मैं? क्या कह रहे थे जमील भाई? नहीं मैं कह रहा था कि घूमने चलते हैं ना। अरे हाँ चले चले। अरे हाँ हाँ चलो, लेट्स गो घूमने चलते, आ जाओ। डोनर खिलाऊंगा इनको। अबे मुझे खोलो तो सही, हाथ बंधे हुए कैसे घूमूंगा, अकेले घूमूंगा। मैं भाभी बंदी नहीं थी, ऐसी खुली हुई थी। अरे यार तुम भी ना, चलो चलो।
इतना खर्चा करवा दिया मेरा यार खामा खा। बॉयज तुम लोग यहीं रुको, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, कहीं जाना मत भाई प्लीज। हाँ हम यहीं पे। सही सही जमी तुम हो गया। यार मुझे वो ग्रीन वाले जॉर्डन्स बहुत पसंद आ रहे थे, बट यार मैंने पैसे नहीं लाए कि मैं वो खरीद लूँ। अबे तो जमील को बोलता ना, उसको लूटना था। अबे नहीं नहीं ऐसे भी नहीं है, बेचारा ऑलरेडी इतना कर चुका है। गलत बात है यार, गलत बात है। तो ये वाले नहीं लेता, वो वाले ले लेता खाली। अरे आइडिया, सेवियर ऐप है ना। हैं? अबे सेवियर यहाँ नहीं चलता। अरे सेवियर में मेरे वॉलेट में पैसे हैं। हाँ तो मैं वो सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और निकलवा दूंगा। हैं वो कैसे? हो भी गया। वाह यार। अरे जमील कहाँ रह गया? हाँ भाई चले हम। चलो यार, यार वो हाफिज मुस्तफा का कुछ मीठा खाते ना। आ जा ये मीठा खिला। बदलावा यार आप दोनों जरा चले जाएंगे प्लीज, हम चार बंदे हैं। अरे चाय भी आप। थैंक यू। अबे ये शक्ल से पाकिस्तानी लग रहे हो। मुझे तो इडियट्स लग रहे थे। इडियट ही होंगे। चाय पी लेते। चाय पी लो। हेलो जमील, बहुत मजा आया आज तो यार। हाँ यार तुम लोग का वाकई मजा आया, आप लोग आते रहा करो यार। अरे हमें भी बहुत मजा आया। थैंक यू जमील यार। अरे यार कोई मसला नहीं यार, जबरदस्त यार। वैसे जैजी तू टर्की क्यों आया था, वो भी एक दिन के लिए? यार वो बिजनेस ट्रिप। बिजनेस ट्रिप। कोई मसला नहीं यार, आते रहा करो यार। अबे यार बहुत मजा आया तुम लोगों, और खास तौर आपने जो डोनर का, यार क्या बात है। चाय पीते चाय पीते। चलो जमील कल सुबह की हमारी फ्लाइट है, वैसे तुम कराची आते रहना, मजा आता है तुम्हारे साथ यार। बिल्कुल यार, मुझे बंस रोड के जो कबाब यार, बंस रोड की याद में वैसे शीश तबूक हो जाए। पहले यार चाय तो पीते हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। We'll be right back.
साहब रिदा ने तो यही लोकेशन भेजी है, कैसे अजीब सी लोकेशन है ये। चोर की लोकेशन है ये। हाँ भाई, अब सीधा जाना है और फिर राइट लेना है, ये देख यही जगह ना। हैं? ये था चोर। अबे पकड़ चोर, चोर अबे पकड़, हिम्मत की सुन चोर, अबे ये टांगी मार दे, हिम्मत से सुन, हिम्मत से सुन चोर, कर हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई, ना ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इसको क्यों मार रहे हो? तो उसको मारेंगे नहीं तो क्या लड्डू खिलाएंगे, चोरी ये इसने मारी घर पे। चोर ये नहीं है भाई साहब, क्या कर रहे हैं लोग, वैक्सीन लगवा रहे हैं आप, जूते लगा रहे हैं भाई, गरीब के बच्चा समझ के मार रहे हैं मेरे को, भाई मैं चोर नहीं हूँ, और आप क्यों मार रहे हैं मुझे? यार भाई आपकी शक्ल ही चोरों वाली है, पानी का बिल्ला रहेगा। चोर ये नहीं है, चलो अंदर मैं चोर दिखाती हूँ। ये कपड़ा तो उठाओ, एक्स-रे विजन थोड़ी है मेरे पास, मैं कोई सुपरमैन थोड़ी हूँ। ये है असल चोर। अरे इसके मुंह से कपड़ा तो हटाओ, पता तो चले क्या बोलना चाह रही है। हाँ? आयशा तुम? ये कौन है? अरे ये रिदा की कजिन है। जिस दिन जमील साहब की फ्लाइट थी उस दिन आयशा बाजी घर पे आई थी, और मैंने इनको बोला कि बेगम साहब और साहब सो रहे हैं तो मैं उनको उठा देता हूँ। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं उनका इंतजार कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है, बस इतने में मुझे अम्मी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ गया और इन्होंने मेरे पीछे अपना काम कर दिया। मुझे कामा का इतनी जोर से मारा, कभी कभार ना ये धोखा इतना खूबसूरत भी होता है, देख लें। हाँ इसी ने मेरे जेवर चुराए। जब मुझे शहजाद ने बताया कि उस दिन आयशा घर आई थी और हम दोनों सो रहे थे और उसने हमें जगाने से भी इनकार कर दिया, तो उस वक्त मुझे उस पर शक हुआ था। लेकिन जब उस दिन हमारी फ़ोन पर बात हुई थी और मैंने तुम्हें बताया कि हमारी सारी कज़न्स इस जेवर के पीछे हैं, और तुम्हें नहीं पता मेरी सारी कजन्स उसके पीछे थी, मगर मेरी नानी ने सिर्फ मुझे दिया वो। कजन्स? तब मेरा शक इस पर डबल हो गया, और फिर मैं भी इसके घर गई जब ये घर पर नहीं थी, और पूरे कमरे की तलाशी ली तो जेवर इसी के कमरे से मिला है मुझे। आयशा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम्हारा और रिदा का रिश्ता बहनों की तरह था और तुमने ये घटिया हरकत की। चोर नहीं हूं मैं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अपना हक छीनने को चोरी नहीं कहते, असल चोरी तो इस रिदा ने की है मेरा हक मार के। ये जेवर हमारे खानदानी जेवर थे और नानी ने मेरे लिए जेवर रखे थे कि जब मेरी शादी होगी नानी ये जेवर मुझे देंगी, लेकिन पता नहीं इस रिदा को ये जैजी कहाँ से मिल गया और इसकी शादी पहले हो गई और वो सारे जेवर नानी ने इसको दे दिए, मेरे लिए एक सेट भी नहीं रखा। बड़े मजे से हर जगह जाके ये जेवर पहनती थी, हर फंक्शन में, हर इवेंट में, हर शादी में ये जेवर पहनती थी, मेरा दिल जलाती थी। आयशा चोरी करने से पहले एक दफा हमसे आके डिस्कस तो कर लेती, मतलब रिदा तुम्हें ऐसी जेवर दे दी थी, चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुमसे पहले से जानती हूँ मैं इसको, बड़ा दे देती मुझे ये अपना जेवर। वैसे रिदा तुमने मेरा दिमाग खाया हुआ था कि तुम्हारा कजिन चोर है, तुम्हारा कजिन चोर है, तुम्हारा कजिन चोर है, चोर किसका कजिन निकला? जैसे इस वक्त मेरा दिमाग मत खराब। अच्छा अब जब सब पता लग ही गया है और इसको इसके जेवर भी मिल गए तो मैं जाऊं? ऐसे कैसे इतनी आसानी से छोड़ दूं तुम्हें? तुम्हारी तो मैं तस्वीर लेके पूरे फैमिली ग्रुप में जलील करवाऊंगी तुम्हें। बहुत बोल चुकी तुम, तुम्हारा मैं मुंह बांधती हूं अभी। हाथ नहीं लगाना मुझे रिदा, देखो बहुत ज्यादा हो गया, तुमने वैसे मुझे कहा था। तुमने मेरे जेवर को हाथ कैसे लगाया? इसको बोलो नहीं करे यार। आप लोग भी समझ रहे ना कि चोर मैं हूं, देख लिया आप लोगों ने, और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उस दिन चाय में क्या मिलाया था, तो वो था स्पेशल शहजाद पी मसाला, आपका भाई कोटे से लेकर आया, इसको चाय में मिलाइए। और शहजाद हम चाय पीते हैं सर का दर्द भगाने के लिए, नींद भगाने के लिए, तुम्हारे चाय का तो अलग ही असर है, ये पी के हम बेहोश ही हो गए और तुम्हारी वजह से हमारे घर में डकैती पड़ी है। वैसे एक बात बताओ, जेवर तो आयशा ने चुराया, ये टीवी कौन ले गया?